यूपी में कहा बा? करोड़न से राशि भर गई? बा यूपी में कहा बा? कहां से गड्ढे मुक्त हुई है? यहाँ तो हिचकोले करते करते हार्ट पेशेंट हुए जा रहा आदमी। हाँ कहा बा यूपी में कहा बा? विकास के नाम पे कुछ भी बताइए। चार घंटे में भ्रष्टाचार तो दो नाम पे गिनवाइए। विकास के नाम पे एक चीज गिनवाइए। कोई विकास नहीं हुआ है। हर आदमी गल्ला पा रहा है, आज आराम से बेच के खा रहा है। हर आदमी गल्ला पा रहा है। आप कैसे सबकी बात कर सकते हैं मुझे बताएं? मुझे किसी से पूछना है क्या? सबका क्या आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे मिल रहे हैं। आप इनसे टहल लाए? इनसे टैंक ने गाया था यूपी में सब्बा, उसके अब्बा ने किया सब्बा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जो मोदी ने किया है जाए, जब तक 130 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा ना आ जाए जब तक मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा। खुला बोल रहा हूँ, चैलेंज है। बाबाओं से देश नहीं चलेगा। उनको खुद अपने नाम की स्पेलिंग नहीं पता है। बाबाओं से देश नहीं चलेगा, देश एजुकेटेड से चलता है। पब्लिसिटी तभी आपको बनानी है जब तक पढ़े लिखो को लेंगे आप। साइकिल चलेगी, साइकिल, साइकिल, 100 रुपए के डीजल नहीं लेंगे, पेट्रोल नहीं लेंगे, फ्री में चलेंगे। मैं हूं आपके साथ निखत अली। तो लगातार लखनऊ से मैं आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूं। लखनऊ की सड़कों में मैं घूम रही हूं। तो चलिए यहां पर फिर से कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लखनऊ की गद्दी पर आखिर वो किसको बैठाने वाले हैं और 10 तारीख को मुस्कुरा कर वो किस नेता का स्वागत करने वाले हैं। चलिए चलिए कुछ और लोग मुझे मिल गए हैं, बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम वेद रतन सिंह है। सिंह साहब, ये बताइए लखनऊ में कैसा माहौल है और किस तरफ हवा जो है वो चल रही है, किस सियासी पार्टी की तरफ? लखनऊ का माहौल तो ठीक ठाक है और जिस हिसाब से है माहौल भी ठीक है और सियासी पार्टी जो है लखनऊ के हिसाब से, जिस हिसाब से आबादी है लखनऊ की हिसाब से, तो उसमें करीब करीब 60-40 का रेशियो है बीजेपी और साइकिल का, जहाँ तक मुझे लगता है। 5 साल बीत चुके हैं योगी सरकार को, काम किया है आपके लिए विकास का उन्होंने? हाँ, उन्होंने विकास तो किया ही है। कहाँ विकास किया है उन्होंने? उन्होंने विकास स्वास्थ्य पे किया है, स्वास्थ्य पे विकास किया है, शिक्षा पे किया है, कोरोना काल में भी किया है। गंगा में लाशें दिख रही हैं, हमको तो गंगा में लाशें दिख रही हैं, ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। और एजुकेशन पे क्या किया? एक ही भी वो माफ नहीं हुई फीस, स्कूल बंद है फिर भी फीस देना पड़ रही है। यूपी में कहा बा? करोड़न से राशि भर गई? कहा बा यूपी में? कहा बा? कहा बा? ठीक है, थोड़ा और आगे भी कह दीजिए ना। दूसरे विषय में बोल रहे हैं आप। आपने कहा गड्ढा मुक्त सरकार होगी, कहाँ से गड्ढे मुक्त हुई है? यहाँ तो हिचकोले करते करते हार्ट पेशेंट हुआ जा रहा आदमी। हाँ कहा बा यूपी में? कहा बा? बात तो मुकम्मल कीजिए, आइए तो सामने, तो आइए थोड़ा, तो आइए, इतना कह दिया आगे कहिए। अच्छा ये जनाब जो इनसे बात की, ये इनका मत है, मैं इनसे नहीं कह रही, पर आप भी क्योंकि लखनऊ से हैं, तो इन्होंने कहा स्वास्थ्य पे काम हुआ है, शिक्षा पे काम हुआ है। आपके बच्चे हैं? बिल्कुल है। आपने क्या बदलाव देखा उनके शिक्षा में, उनके स्कूल के कामों में? कुछ ज़्यादा खास नहीं, वो तो जग जाहिर है, सबको पता है कि क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ये तो दिल में झांक के देखने वाली बात है कि हुआ भी है या नहीं हुआ है। पब्लिक कहीं पे भी अगर कोई बात हो रही है, एक टाइम 2012 में कितना अच्छा आपके चेहरे पे हंसी, सबके चेहरे पे, अब किसी से पूछो क्या काम है? नहीं, कहीं काम ही नहीं मिल रहा। अरे रोजगार है नहीं, कहाँ चला गया सब? लखनऊ में मुस्कुराना बंद कर दिया है क्या लोगों ने? जाहिर सी बात है, दिल से थोड़ी ना कोई हंस रहा है, बस हंस रहा है, जी रहा है, सांस चल रही तो जी रहा है। वो भी कोरोना में हजारों मर गए, लाखों बेचारे बेरोजगार हो गए, कहाँ से कहाँ कितना अत्याचार हो गया, क्या कहा जा सकता है इसके लिए? परेशान है आप? परेशानी वाली बात ही है कि रोजगार से मेन आदमी मर रहा है, जब खाएगा नहीं तो चलेगा कहाँ से? वो कहाँ नहीं गया है? हम लोग तो कहते हैं कि पेट की मार कभी ना दो, पीठ की मार दे दो,
लेकिन यहाँ तो पेट की मार दे दिया। अरे 5 किलो राशन में क्या होने वाला है, जब रोजगारी छिन गया फालतू का क्या हम खाएं? व्यापार जो चौपट हुआ है वो नोटबंदी के बाद से हुआ है, कोरोना से उससे कोई लेना देना नहीं। नोटबंदी का असर अभी भी है व्यापार में? व्यापार में उसी का असर है। अभी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने आपकी जिंदगी बेहतर की है, योगी सरकार काम किया है, मोदी जी योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या खत्म कर दिया और क्या चाहिए पब्लिक को? खत्म कर दिया जो बलात्कार होते थे वो खत्म कर दिया, एकदम नीट एंड क्लीन। यूपी में काबा सब बा भूखो मरा है, कोई कोरोना काल में कोई भूखो नहीं मरा। गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दी जितनी किसी सरकार में नहीं मिली। अगर महंगाई है तो हम लोगों महंगाई तो उसी से विकास तो होता है। विकास के नाम पे कुछ भी बताइए, 4 घंटे में मोहताज गिनवाइए, विकास के नाम पे एक चीज गिनवाइए, कोई विकास नहीं हुआ है। आपके कहने से नहीं विकास हुआ, भुखमरी हुई है, रोजी से रोजगार से तो आदमी एकदम निहत्ता हो गया। 2 घंटे में पहुँच रहा लखीमपुर, ये विकास नहीं तो क्या है? अखिलेश भैया की देन है, वो बोया किसने काटा किसने, सच कभी ना बोला, क्योंकि मर के कोई को नहीं जाना एक साथ में। घर में कम से कम पप्पू भाई नहीं नहीं करके 400-500 रुपए का काम मरी से मरी हालत में कर लेते थे, अब सुबह से रात तक की 12 घंटे देते हैं, 50 रुपए कमाना मुश्किल हो गए तो कहाँ से बच्चे खाएंगे, कहाँ से सुकून है? जब मजदूर जब 200 पाता था तब अखिलेश की सरकार में कितनी मजदूरी थी, महंगाई नहीं थी तब, इतनी महंगाई नहीं थी, क्यों परेशान है मजदूर? हद से ज्यादा प्याज कितनी महंगी? हाँ जी मजदूरी नहीं है, सब्जी कितनी महंगी हो गई, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो। महंगाई नहीं लग रही है आपको? महंगाई नहीं लग रही है? नहीं महंगाई उस हिसाब से कुछ नहीं है, जिस अपनी खुद की दुकान होगी, खुद का कारोबार होगा तो जिनके पास नहीं है उनके दिल से। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़नी, जिस घर में 4 लोगों अगर 6 लोग हो जाए महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो भी पहले नहीं थे 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग? नहीं, योगी जी के आने के बाद ही खाली हम दो हमारे दो ये था, अरे किसी के तो एको नहीं है, वो भी भूखा मर रहा है। कोई भूखो नहीं मर रहा, हर आदमी गल्ला पा रहा है, आराम से बेच के खा रहा है, हर आदमी गल्ला पा रहा है। आप कैसे सबकी बात कर सकते हैं मुझे बताएं, आप सबकी बात कैसे कर सकते? चले जाइए आप देख लीजिए कितनी भीड़ लगती है। मुझे किसी से पूछना है क्या सबका, क्या आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे मिल रहे हैं? 15 दिन से टहल रहे हैं, 15 दिन से टहल, इनको पूछिए कारोबार क्या है, कारोबारी क्या बचा है, सब तो ले लिया है। दावा किया आपने? हाँ मैडम, जो गोबर खाने वाला है वो ऐसी तरह से काम करेगा, जो गोबर पात्रा है, जो गोबर खाने वाला है वो इसी तरह से काम करेगा, और जो आवाम के लिए बात करेगा वो कभी सच्चाई से डरेगा नहीं। क्या है, मौत एक बार जरूर आनी है, चाहे आगे से चाहे पीछे से, उसकी चिंता नहीं करते, लेकिन ये तो सोचो कि यार बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे जो है आपने मंडे से स्कूल खोला, वेडनेसडे से आपने पेपर शुरू कर दिए, कहाँ से भैया, क्या बच्चा पढ़ रहा है? कुछ याद होगा तो पेपर देगा ना, कहा कि फीस माफ हो जाएगी, ना फीस माफ हुई, कहा किराया नहीं, मैं ज्यादा गरीब जो है महंगाई से मरा जा रहा, कहा किराया माफ हो जाएगा दुकानों का जो किराएदार है, कुछ भी नहीं, सब देना पड़ा उधार से कर्ज से, दुकान खाली कर दिए नहीं है तो कहाँ जाए हम लोग, किससे कहे जा करके, आप तो सुन ही नहीं रहे थे। किसकी सरकार आएगी, अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी आएगी, ये सरकार लग रहा आएगी, जाहिर अभी अभी ये नहीं कह सकते कि किसकी आनी किसकी नहीं आनी, जिसकी भी आए काम करे, ये गाना फिर से ना आए कि यूपी में काबा कुछ बा नहीं। नाराज है काफी, रवि कुमार ने गाया था यूपी में सब्बा, उसके अब्बा ने किया सब्बा। बहरहाल मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि वो सबका दावा कर रहे थे कि सबको जो है काम मिल रहा है, सबके पास जेबों में पैसा है, तो मेरा सवाल इसीलिए बाकियों से भी था, आप सबका दावा नहीं कर सकते, आप अपना दावा कीजिए, आप अपने जैसों का कुछ और लोग हो सकते हैं लेकिन आप सबका दावा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कई ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, जो परेशान है इस वक्त। एज ए फ्रीडम, हम तो आज़ाद हैं, क्योंकि खुदा का शुक्र है कि हमारे
माता पिता ने इस लायक मुझे बनाया है कि मैं तो डॉक्टर हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पब्लिक की इतनी प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट अभी तक मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास इतना पेमेंट नहीं है कि आप हमें एक टिकिया दे दीजिए, कि 50 रुपये फीस देना तो बहुत बड़ी बात है, वो टिकिया लेने के लिए आते हैं। तो इस देश में क्या है, यूपी में क्या है, एजुकेटेड सीएम चाहिए लोगों को। कौन है आपकी नज़र में? एजुकेटेड होना चाहिए, जैसे केजरीवाल होना चाहिए, जैसे हमारे सपा के भी सही है एजुकेटेड, ना कि ये बाबाओं से देश नहीं चलता है। खुला बोल रहा हूँ, चैलेंज है, बाबाओं से देश नहीं चलेगा। उनको खुद अपने नाम की स्पेलिंग नहीं पता है। बाबाओं से देश नहीं चलेगा, देश एजुकेटेड से चलता है। पब्लिसिटी तभी आपको बनानी है जब तक पढ़े लिखों को लेंगे आप। बहुत शुक्रिया मैडम। भाजपा बहुत अच्छी है और भाजपा फिर आ रही है, भाजपा भाजपा फिर आ रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जो मोदी ने किया है, जब तक 130 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा ना आ जाए जब तक मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा। फिर योगी आ रही है और बाकी चिल्लाते रहेंगे और योगी फिर आएगी और फिर मोदी आएंगे। तू लाल टोपी आएगी, ये चला के दिखा, ये चला के दिखा, लाल टोपी आएगी, समाजवादी आएगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, और चिल्लाते रहेंगे ये पी के दारू, चिल्लाते रहेंगे। और डॉक्टर साहब है वो, डॉक्टर साहब। अरे और होश में है, होश में। और लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे लोग होश में थे। नहीं सब होश में है। योगी आएंगे, इतना अच्छा काम किया है, कोई सरकार आएगी जीरो होगी, फिर गुंडागर्दी होगी, फिर गुंडागर्दी होगी, फिर जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, अखिलेश चाहिए हिंदुस्तान को, जय अखिलेश, जय अखिलेश। ये चिल्लाते रहेंगे, ये चिल्ला, योगी आएंगे, भारत माता की जय, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी जी ने अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। साइकिल चलेगी, साइकिल, साइकिल, 100 रुपए के डीजल नहीं लेंगे, पेट्रोल नहीं लेंगे, फ्री में चलेंगे, फ्री में। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हटो। तो चलिए, यहाँ पर मैंने तमाम लोगों से बात की, तमाम राय दी और तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि लखनऊ में, तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि लखनऊ में आखिर माहौल किसका है और किसके तरफ यहाँ लखनऊ के लोगों की नजर है और 10 मार्च को लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।